सफाई वाली आंटी, सफाई वाली आंटी। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? आंटी मेरी थोड़ी मदद कर दो, सफाई वाली काफी टाइम से ना यहाँ पे आ नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और घर का खाना खाए भी बहुत टाइम हो गया। आप मेरे घर में साफ सफाई कर दो और खाना बना दो, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। अरे बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई सफाई वाली नहीं हूँ। देखिए आंटी मुझे पता आप झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ पे भी तो सफाई कर ही रहे हो ना, घर में कर दो, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। क्यों बेटा? वो एक्चुअली बात ये ना कि मैं जिंदगी भर अपने फैमिली के साथ रहूँ, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया था इसलिए मुझे कुछ नहीं आता, अगर आता तो मैं आपको नहीं बोलता। प्लीज आंटी कर दो ना थोड़ी हेल्प। अब क्या बेटा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं? नहीं नहीं मम्मी पापा तो गाँव में, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर माँ बाप साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंसान राजा की तरह रहता है आंटी, उनसे दूर जाने के बाद ही उनकी कदर होती है। देखिए आंटी आप मेरे से पैसे ले लेना पर प्लीज़ बना दो ना। खाना बनाना ना बेटा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है मैं बना दूंगी। क्या सच में? कितने रुपए देने होंगे बताइए, मैं आपको दे दूंगा। अरे पैसे वैसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी किचन कहाँ है? आंटी बस यहाँ पे। हाँ चलो बना देते। अरे कितनी गंदगी कर रखी है इसने। कोई बात नहीं साफ कर देती हूँ, ये भी तो मेरे बेटे की तरह ही है ना। बेटा मैंने आपके सारे बर्तन मांज दिए और खाना भी बना दिया, आप खा लेना मैं चलती हूँ। रुकिए आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की, वरना आज के टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता, आप अपना काम छोड़ कर आए, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये लीजिए ये 1000 रुपये। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, 1000 रुपये? ये सब मैंने पैसों के लिए थोड़ा ना किया है। आंटी आप सफाई का काम करते हो और इस चीज़ के पैसे भी तो लेते हो, आप रख लो मुझे अच्छा लगेगा आंटी। अरे आप गलत समझ रहे हैं बेटा, मुझे पता है ये सब आप इससे बोलो ताकि आप मेरे से पैसा ना लो, आंटी रख लीजिए इसे। अरे मुझे नहीं चाहिए। रोशन भाई कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, तू कैसा है? जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये आंटी यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार देखियो आंटी ने मेरे घर की साफ सफाई की, अब सफाई वाली है मेरे को पैसे दे रख नहीं रही, ये बहुत अच्छी आंटी है। आंटी ये रख लो पैसे। अबे तू पागल है क्या, ये तेरे घर की सफाई करेगी, तू जानता ही ये कौन है? अरे भाई कौन है क्या, सफाई वाली है, सफाई का काम करती है, इसलिए तो मैंने इन्हें घर पे बुला के सफाई करवाई है। अरे भाई हमारी बिल्डिंग के सबसे अमीर लोग है ये, और तेरे को पता है हमारी बिल्डिंग में जो पेंट हाउस है ना उसकी मालकिन है ये। क्या बात कर रहा है आंटी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इतने पैसे वाले हो और मैं आपको ये 1000 रुपये दे रहा था। आंटी लेकिन एक बात समझ में नहीं, आप इतने अमीर हो के मेरे घर में साफ सफाई क्यों आंटी? दरअसल बेटा जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, तुम अकेले रहते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम अकेले रहते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे बच्चों की तरह, तो अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा काम कर भी दूंगी तो मैं घिस नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हारा काम कर दिया, क्योंकि बेटा तुम्हारे अंदर मैंने अपना बेटा देखा। और बेटा वैसे भी ना मेरा बेटा भी इंडिया में नहीं रहता, मेरा बेटा भी आउट ऑफ इंडिया रहता है, और मुझे अपने बेटे की छवि तुम्हारे अंदर नज़र आई, तो मैंने यही सोचा कि वहाँ मेरा बेटा भी बाहर प्रदेश में ऐसे ही परेशान हो रहा होगा काम के लिए, जैसे आज मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, हो सकता है भगवान जी भी उसकी वहाँ किसी ना किसी से हेल्प करवा रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी थी। बेटा जब बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं ना तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर का काम किया। थैंक यू आंटी, सच कहूँ आप सिर्फ पैसों से नहीं दिल से भी बहुत अमीर हो, आज के समय में जहाँ एक दूसरे से लोगों को मतलब नहीं है वहाँ आपने मेरी इतनी मदद की। आंटी माँ तो माँ होती है और माँ सबकी अच्छी होती है, आज आपको देख के अपनी माँ की याद आ गई। सच कहूँ तो माँ बाप से दूर रहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अपने घर में इंसान राजा की तरह रहता है, लेकिन मजबूरी घर के हालात इंसान को दूर भेजते हैं, हम घर से बाहर इसलिए हैं ताकि हमारे घर में खुशियाँ रह सकें, हमारे रहने से खुशियाँ नहीं हमारे कमाने से घर में खुशियाँ आती हैं आंटी, यही एक इंसान की ज़िंदगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका ये विचार देख के आपकी सोच देख के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आंटी। बेटा धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सुनो मैं तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ, आगे से तुम्हें कोई भी काम हो ना बेझिझक मुझे बुला लेना, और वैसे भी मैं ऊपर ही तो रहती हूँ, कौन सा दूर रहती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी आंटी जी। चल बैठ,
आंटी ने खाना बनाया, तुझे भी खिलाता हूँ। हाँ लगाता हूँ, रुक जा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोज़ को कब से देख रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है। हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा मैसेज दें जिससे समाज में एक अच्छा चेंज आए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।